नमस्कार, बीकेबी न्यूज की आज की स्पेशल स्टोरी में मैं ऐश्वर्या शिंदे आपका स्वागत करती हूं। तो आज हम जानेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के बारे में कुछ खास बातें। आइए देखते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका दिया है। गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी को 5 पदों का इस्तीफा भेजा। इससे कांग्रेस पार्टी के साथ ही सोनिया गांधी भी सदमे में है। आखिर क्या है गुलाम नबी आजाद के इस बड़े फैसले की वजह, क्यों उन्होंने कांग्रेस पार्टी से विदा ली? तो आइए जानते हैं इस बड़े फैसले की वजह। गुलाम नबी आजाद भारत सरकार में राज्यसभा के विपक्ष के नेता थे। वे वाशिम महाराष्ट्र से 7वीं और 8वीं लोकसभा के सदस्य रहे हैं। उन्हें 15वीं लोकसभा के मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में मंत्री बनाया गया था। लेकिन अब वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। गुलाम नबी आजाद ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से लेकर सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। आजाद ने कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी को 5 पदों का इस्तीफा भेजा। पार्टी से इस्तीफे में गुलाम नबी ने पार्टी की दुर्दशा के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने राहुल गांधी पर कहा कि पार्टी के अंदर बात रखने की जगह भी नहीं छोड़ी है। G23 में शामिल आजाद ने कांग्रेस आलाकमान को ये स्वीकार करने की नसीहत दी थी कि पार्टी कमजोर हुई और इसे मजबूत करने के लिए काम करने की जरूरत है। गुलाम अली की मौजूदगी में पार्टी छोड़ चुके कपिल सिब्बल ने भी कहा था कि कांग्रेस कमजोर हो गई है, ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए। वही आनंद शर्मा ने कहा था कि मुझे किसी को ये बताने का अधिकार नहीं है कि हम कांग्रेस के लोग हैं या नहीं। हमारे बीच कोई भी खिड़की से नहीं आया है, हम सभी दरवाजे से चले हैं। हम छात्रों और युवा आंदोलन के माध्यम से यहाँ तक आए हैं। अब कपिल सिब्बल तो पार्टी छोड़ चुके हैं, वही आनंद शर्मा साइडलाइन चल रहे हैं और आजाद ने इस्तीफा देकर अटकलों को विराम दे दिया है। G23 समूह में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं। अगस्त 2020 में जब पहली बार इन नेताओं का समूह चर्चा में आया था, तब इसमें 23 नेता शामिल थे, इसीलिए इन्हें G23 कहा गया। बता दें कि गुट में शामिल रहे जितिन प्रसाद बाद में BJP में शामिल हो गए। कपिल सिब्बल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। सिब्बल अब सपा के समर्थन से राज्यसभा सांसद है। सिब्बल के बाद अब गुलाम नबी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। संसद में 3 दशक गुजार चुके कांग्रेस नेता आजाद 2021 में राज्यसभा से रिटायर हुए थे। उस दौरान उनके विदाई भाषण में बोलते हुए पीएम मोदी भावुक हो गए थे। पीएम मोदी ने रुंधे गले से आजाद संग बिताए पलों को याद किया और एक वक्त रो भी पड़े। मोदी ने कहा कि गुलाम नबी आजाद के बाद इस पद को जो संभालेंगे उनको गुलाम नबी जी से मैच करने में बहुत दिक्कत पड़ेगी। इसके बाद मोदी ने उस वक्त का एक किस्सा भी सुनाया जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और जम्मू कश्मीर में गुजरात के यात्रियों पर आतंकी हमला हुआ था। उस समय गुलाम नबी आजाद ने जैसी चिंता गुजरात के लोगों के लिए दिखाई, मोदी उसका जिक्र करते हुए रो पड़े थे। मोदी ने गुलाम नबी आजाद को संसदीय लोकतंत्र में योगदान के लिए सैल्यूट भी किया। पीएम मोदी की ओर से आजाद की तारीफ किए जाने के बाद आजाद के BJP में जाने की अटकलें तेज हो गई थी। आजाद ने भी रिटायर होने के बाद PM की तारीफ की थी। आजाद ने उन्होंने जमीन से जुड़ा नेता बताया था। उन्होंने कहा था कि लोगों को उनसे सीखना चाहिए कि कामयाबी की बुलंदियों पर जाकर भी कैसे अपनी जड़ों को याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा था कि मुझे बहुत सारे लीडरों की बहुत सी बातें अच्छी लगती हैं। मैं खुद गांव का हूं और बहुत गर्व होता है। हमारे PM मोदी भी कहते हैं कि वो गांव से हैं, कहते हैं कि बर्तन मांजते थे, चाय बेचते थे। सियासी तौर पर हम उनके खिलाफ हैं, लेकिन कम से कम जो अपनी असलियत है वो उसको नहीं छिपाते। यदि आपने अपनी असलियत छिपाई तो आप मशीनरी दुनिया में जी रहे होते हैं। जब आजाद ने PM मोदी की जमकर तारीफ की थी, तब भी आजाद के BJP में जाने की चर्चा तेज हो गई थी। हालांकि आजाद ने इस्तीफे के बाद साफ किया है कि वो BJP में नहीं जा रहे हैं, वो अपनी नई पार्टी बनाने पर विचार कर रहे हैं। हाल ही में गुलाम नबी आजाद ने पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का ऑफर ठुकरा दिया था। आजाद को केंद्र शासित प्रदेश में पार्टी की प्रचार समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया, लेकिन आजाद ने प्रस्ताव को नकार दिया। ऐसे में उनकी तरफ से किसी बड़े कदम का अंदेशा पहले से ही था। 5 पेज के इस्तीफे में गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर दिया। एक ऐसे दौर में जब जम्मू कश्मीर में चुनाव की चर्चाएं भी तेज होने लगी है,
गुलाम नबी आजाद ने ऐलान किया है कि वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे। तो आज की इस स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई स्टोरी के साथ। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।